जो एक्सीडेंट में जाने गई उसके जाने का वक्त नहीं था, एक्सीडेंट से गए, कोई भी मुआवजा, कोई भी कॉम्पनसेशन एक जिंदगी को वापस नहीं ला सकता है। और इसीलिए जान की सुरक्षा को हर वक्त पे हम सबसे ऊपर रखते हैं कि अगर माल गया, प्रॉपर्टी गई, हुआ तो वो आ भी सकता है वापस, पर एक बार जिंदगी चली जाती है वो वापस नहीं ला सकता है, कोई नहीं ला सकता है। हमारे भारतीय रेल का इतिहास बहुत पुराना है। जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों का शासन था, शुरू में हमारी रेलवे, अब नोट कीजिएगा, शुरू में हमारी रेलवे प्राइवेट पार्टीज के पास थी। लेकिन उस वक्त अंग्रेजों ने क्या किया था कि प्राइवेट पार्टी रेल चलाए पर वो तो अपना मुनाफा देखेंगे, इसीलिए ये जरूरी है कि सेफ्टी के लिए उस प्राइवेट पार्टी को नहीं, अंग्रेज सरकार ने इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स जो सीधे सरकार के शासक के पेड लोग थे वो इसकी सुरक्षा देखते थे, वो कहते थे कि इस ट्रैक पे चलाओ, ये ट्रैक को रिपेयर करो, अभी रोक दो, वो इंजीनियर्स कहते थे, वो प्राइवेट कंपनी को करना पड़ता था, ट्रेन ऐसे नहीं चलती थी। आजादी के बाद हमारी सरकारों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है कि रेलवे तो अपना मुनाफा देखेगा, तो रेलवे की सेफ्टी के लिए, पैसेंजर सेफ्टी के लिए रेलवे से हटके अलग डिपार्टमेंट के पास एक कमीशन होना चाहिए, रेलवे की सुरक्षा की चिंता करते हुए कमीशन रेलवे सेफ्टी अलग बना, और वो रेलवे मंत्रालय के नीचे नहीं, इसको रखा सिविल एविएशन, नागर विमान विभाग के नीचे उसको रखा और वो देखते थे।